यार क्या हो गया इसको? आ जाओ, पता नहीं कहाँ रह गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। पता नहीं ये नेहा कहाँ रह गई है, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, ना कॉल्स का आंसर कर रही है, अतः पता ही नहीं है कोई मैडम का। उमर भाई, क्या आपकी नेहा से कोई बात हुई है? नेहा से? नहीं नहीं, मेरी नेहा से कैसे बात हो सकती, मेरी तो नेहा से बात होती ही नहीं। अच्छा, यूं ही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। ना तो मेरी नेहा से बात होती है, ना ही मेरी उससे सलाम दुआ होती है, और गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग। I'm sorry. शुक्र है भाई तुम आ गई। सॉरी, काम पड़े, इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स की, कहाँ थी? घर से निकलते हुए देर हो गई ना, सॉरी। और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, जब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया होगा, है ना? सुनो, मैं थोड़ी देर में कॉल करूं। क्या बदतमीजी है ये यार, वायलिन बज रही। बदतमीजी नहीं करो और जाओ अंदर। हमने कहा कि भाभी अब आने ही वाली है, तो क्यों ना तुम्हारी रोमांटिक बातों में हड्डी बना जाए। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेटा। तो गाना आ रहा है, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हलारी अडलारी 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 अड्डा, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हलारी अडलारी 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 अड्डा, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हलारी अडलारी अडलारी अड्डा। मैं बताता हूँ इसका किस्सा, नहीं सुनने का कोई ये पुकार। अरे वो लड़की रिजवान के साथ जो होती है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। वो ये कह रहा है कि नेहा और उमर के साथ साथ वो हमजा के लिए रमशा का हाथ मांगना चाहता है। आप यहाँ? I know, तो मुझे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, और इससे बेहतर जगह मुझे समझ नहीं आई। क्या बात? यहाँ पे नहीं बता सकता ना, सब लोग देख रहे हैं, कोई गलत मतलब समझेंगे। मेरे साथ चलो। लेकिन मेरा ड्राइवर वेट कर रहा है। चलो तुम उसको कह दो कि मेरे साथ जा रही हो, मेरे पास गाड़ी है, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। रमशा देखो, ये हमारी जिंदगी का मामला है, तो फैसला भी हमें लेना पड़ेगा। अब चाहे हम सही फैसला लें या गलत फैसला लें, लेकिन फैसला तो करना पड़ेगा ना। तो मुझसे मेरा फैसला नहीं पूछोगी? क्या है आपका फैसला? अबू की बातों ने मुझे काफी उलझा दिया था, लेकिन आज जब मैं तुमसे मिला हूं तो मेरी सारी उलझने दूर हो गई है। मेरा फैसला हाँ, मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि एक बार फैसला लेने से पहले अपने दिल से जरूर पूछ लेना, जैसे तुम्हारा दिल कहे वैसे फैसला कर लेना और मुझे सुना देना। अपना ध्यान रखना।
रमशा बेटा, अरे बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? चलो उठो, जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने सैलून से अपॉइंटमेंट लिए, जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। देखो शक्ल क्या बना रखी। सैलून से ट्रीट? मामा ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई जो एकदम भेज रही हैं आप मुझे? मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे स्टडी करनी है, बताया तो था। मेरी भोली गुड़िया, अर्जेंसी है ना, कल मेहमान आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि उनके सामने तुम बेहद हसीन नजर आओ। ऐसे कौन से मेहमान आ रहे हैं? मेरी फ्रेंड, उसके बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर लीजिए। और कल वो आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी आपस में अच्छी तरह मिलो। मामा लेकिन बाबा ने तो पप्पू से। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, तुम्हारे बाबा हमसा से तुम्हारी शादी करना चाहते। देखो बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं जानती हूँ हमसा तुम्हारे काबिल नहीं है और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। बेटा तुम स्ट्रेस ना लो, तुम्हारी मामा है ना, तुम्हारा मैं बहुत अच्छा सोचू, बेहतर से बेहतर फैसला लूंगा। किसने दिया? हमजा ये सब क्या है? मैंने सोचा कि जो लड़की बहुत कमजोर है वो मेरी नहीं फूलों की जबान तो समझती होगी। रमशा मैं अभी तक तुम्हारे जवाब को मंतज़र हूँ, तुम्हारा जवाब कुछ भी हो मुझे कबूल होगा। रमशा मामा और बाबा चाहते हैं। रमशा मुझे नहीं जानना कि मामू और मुमानी क्या चाहते हैं, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम अहम हो और हर वो बात अहम है जिससे तुम खुश हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। Thank you for the flowers. मैंने बहुत सोचा है इस रिश्ते के बारे में। हाँ हाँ बेटा, बेटा डरो नहीं, तुम्हारे दिल में जो भी बात है तुम साफ साफ बता सकती हो। तुम्हें अपने राय का इजहार करने की आजादी है, पूरा हक है। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। जीती रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे ना कैसे ये मन, उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं, काहे मुझसे खो everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AirVy Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.